शिको हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 27 अगस्त दिन रविवार को सावन माह की बड़ी पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी पर यदि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो इस एक उपाय को अवश्य करें। रात्रि 8 बजे से पूर्व प्रदोष काल के समय पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों के हाथ से इस उपाय को कराएंगे तो महादेव उनकी कामना को पूर्ण करेंगे और उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। चलिए जानते हैं कौन सा है वह उपाय जिसे पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में एक चम्मच शहद लेना है। जी हाँ, एक कटोरी में एक चम्मच शहद ले लें और एक लोटा ही आपको जल ले लेना है। अब महादेव के मंदिर जाकर क्या करना है आपको, महादेव के मंदिर जाकर जो शहद है आपका, उस शहद से आपको क्या करना है, अपने बच्चे से शिवलिंग पर 7 बिंदियां लगवानी है। जी हाँ, अपनी उंगली में ले ले, अनामिका के साइड वाली उंगली में ले लें और उस उंगली से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियां लगानी है और बच्चों के भविष्य के लिए आपको महादेव से कामना करनी है, उनके एग्जाम के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। इसी के साथ में जो जल लेकर गए हैं उसमें से आधा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और बाकी का आधा जल आपको जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है उस पर अर्पित करना है। नंदी महाराज के कानों में भी अपनी कामना को कहें, 2 बार हरिओम हरिओम का उच्चारण कर सच्चे मन से अपनी कामना को नंदी महाराज के कान में कहें। कहते हैं इसे करने से आपकी कामना पूर्ण होती है आज के दिन, तो इस उपाय को करना ना भूलें, महादेव आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।